हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 30 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला का हाफ ईयरली करंट अफेयर का बुक जल्द ही आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक के करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। ये बुक आपके दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह या जनवरी माह के पहले सप्ताह के आसपास बुक डिपोज में मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, लास्ट ईयर तक हम जो है आपके इस करंट अफेयर के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में सेल किया करते थे, लेकिन इस साल से इसकी पीडीएफ की जो सेलिंग है ये कंप्लीटली बंद की जा रही है, यानी कि आपको ये जो नोट्स है अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होगा, ये एक बुकलेट के फॉर्म में, एक पुस्तक के रूप में बुक डिपोज में अवेलेबल होंगे। लास्ट जो आपका हाफ ईयरली करंट अफेयर का जो बुक है, इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, लगभग सारे बुक डिपो को हमने कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ दूरस्थ क्षेत्र के जो बुक डिपो है वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई। तो उन क्षेत्रों के लिए जहां जिन आपके जिलों के बुक डिपोज में हमारे बुक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पर हम स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी के थ्रू स्टूडेंट्स को बुक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला का जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक के करंट अफेयर का एडिशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, ध्यान समझते हुए चलिएगा। आज की इस करंट अफेयर की वीडियोस में फैक्ट बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आंकड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ इंडेक्स आई है, कुछ छत्तीसगढ़ की रैंकिंग आई है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो आपके नगरीय निकाय चुनाव है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका नगरी दुबराज चावल। नगरी दुबराज चावल, ये जो नगरी दुबराज चावल है ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसे दिया गया है आपका जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग प्राप्त हुआ है आपके इस नगरी दुबराज चावल को। ध्यान से देखिएगा, जो आपका नगरी दुबराज चावल है इसमें क्या है, नगरी। देखिए, दुबराज चावल आप में से बहुत से लोग जो है मार्केट में देखे होंगे कि दुबराज चावल बहुत से होते हैं, लेकिन स्पेशली इस दुबराज चावल के आगे लगा हुआ है नगरी। नगरी, ये नगरी कौन सा है, जो धमतरी जिले में जो आपका नगरी एक क्षेत्र है, आप जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़े भी होंगे सिहावर नगरी जंगल सत्याग्रह, तो जो सिहावर नगरी का जो नगरी है, धमतरी जिले का जो नगरी है, इस नगरी क्षेत्र में उत्पादित होने वाले दुबराज चावल को मिला है आपका जीआई टैग। अब ये जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग जिसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग, ये होता क्या है, किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है जीआई टैग। ध्यान समझते हुए चलिएगा, किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है आपका जीआई टैग। यहां बात हो रही है उत्पाद की, ठीक है, उत्पाद के अंतर्गत आपके कृषि उत्पाद भी आते हैं, कृषि उत्पाद आएंगे, कोई खाने पीने की वस्तु आएगी, चटाई आएगी, सजावटी वस्तु आएगी, दरी आएगी, इसके अलावा कोई जानवर भी जो है इस जीआई टैग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रदान किया जाता है जीआई टैग। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी उत्पाद को, यानी कि एक पर्टिकुलर उत्पाद उस एक क्षेत्र विशेष में ही मिलता है, उस क्षेत्र विशेष में ही बनाया जाता है, या उस क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है, उस क्षेत्र विशेष की पहचान है, इसके लिए प्रदान किया जाता है आपका उस जीआई टैग को। ठीक है, तो हमारे प्रदेश के नगरी दुबराज चावल को मिला है आपका जीआई टैग, यानी कि धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के अंतर्गत उगाया जाने वाला दुबराज चावल हमारे इस क्षेत्र की पहचान है, इसलिए प्रदान किया गया है आपका जीआई टैग। यानी कि नगरी क्षेत्र में उत्पादित होने वाला दुबराज चावल किसी अन्य क्षेत्र में उत्पादित नहीं होता, ये यहां पर जो, यहां पर जो आपके नगरी क्षेत्र में जो उत्पादित होता है, इस कारण से यहां पर मिला है आपका जीआई टैग। ठीक है, देखिए, ये जो नगरी दुबराज चावल है ये सेकेंड कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, छत्तीसगढ़ का दूसरा कृषि उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है। पहला कृषि उत्पाद था आपका जीरा फूल। ठीक है, जीरा फूल जो कि आपका पहला कृषि उत्पाद था, इस जीरा फूल के बाद दूसरा ऐसा कृषि उत्पाद है आपका नगरी दुबराज चावल जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, यहां बात क्या हो रही है, कृषि उत्पाद की, लेकिन जीआई टैग जो है ये केवल कृषि उत्पाद के लिए नहीं रहता, इसमें हर प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें आपके खाने पीने की वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं, शिल्प, आपके जो जानवर तक जो है इस जीआई टैग के अंतर्गत आते हैं। आपने एक जानवर का नाम सुना होगा, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा का जो जीआई टैग है ये मध्य प्रदेश के पास है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के मध्य विवादों में आया था ये जीआई टैग को लेकर के, इस कड़कनाथ मुर्गा का। हमारे छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गे का जो पालन है ये दंतेवाड़ा जिले में किया जाता है, जबकि आपके मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में इस कड़कनाथ जो मुर्गा है इसका पालन किया जाता है, लेकिन जीआई टैग मिला किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये जो जानवर तक शामिल है इस आपके जीआई टैग के अंतर्गत। तो हम यहां क्या बात करें, कृषि उत्पाद की।
हमारे छत्तीसगढ़ का ये दूसरा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, नगरी दुबरा चावल। पहला कौन सा है? जीरा फूल। लेकिन मैंने क्या कहा, इसमें अन्य वस्तुएं भी शामिल है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी तक ये हमारे छत्तीसगढ़ का सातवां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले आपके बस्तर का जो ढोकरा शिल्प, आप सभी पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ढोकरा शिल्पकला, ठीक है, बस्तर में आपका, बस्तर में जो आपका जो एक ढोकरा शिल्प काफी प्रसिद्ध है, तो जो बस्तर का जो ढोकरा शिल्प है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, बस्तर ढोकरा हस्तशिल्प। और ये बस्तर का जो ढोकरा शिल्प है उसका जो लोगो है, जो उसका मोनो है, ठीक है, जो उसका प्रतीक चिन्ह है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बस्तर का वुडक्राफ्ट, वुडक्राफ्ट यानी कि लकड़ी से बनाई जाने वाली सजावटी वस्तुएं, हस्तशिल्प, इसे मिला हुआ है। बस्तर का आयरन क्राफ्ट यानी कि लोहे को पिघला करके बनाई जाने वाली वस्तुएं, इसे मिला हुआ है। इसके अलावा चापा, जांजगीर चापा का जो सिल्क, सिल्क का जो फैब्रिक्स है उसे मिला हुआ है। और इसके अलावा जीरा फूल। तो आपका बस्तर ढोकरा शिल्प एक, बस्तर ढोकरा लोगो दो, बस्तर वुड क्राफ्ट तीन, बस्तर आयरन क्राफ्ट चार, चांपा सिल्क फैब्रिक्स पांच, जीरा फूल छह, और अब ये नगरी दुबरा चावल। तो ये सातवां प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। कृषि उत्पाद की बात की जाए तो सेकंड नंबर का कृषि उत्पाद है जीरा फूल के बाद। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके ध्यान से आंसर को लगाना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नगरी दुबरा चावल है ये कहां पर उत्पाद, इसका उत्पादन कहां पर होता है? इसका उत्पादन होता है आपके धमतरी जिले में। इसकी विशेषता क्या है? ये कम ऊंचाई में, ये जो इसकी उपज है ये काफी कम ऊंचाई की रहती है, 125 दिन में ये पक करके तैयार होता है। इसके बीज से एक एकड़ में लगभग 6 क्विंटल के आसपास नगरी दुबरा चावल उगाया जाता है, ठीक है। इसके दाने जो है काफी छोटे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नगरी दुबरा चावल जो कि आपका इसे सेकंड कृषि उत्पाद छत्तीसगढ़ का जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सातवां उत्पाद है हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से जिसे आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम धान एवं मक्का की खरीदी। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इस विपणन वर्ष 2021-22 में जो है धान एवं मक्का की खरीदी की जा रही है। हमारे प्रदेश में धान की खरीदी करने वाली संस्था का जो नाम है वो है आपका मार्केफेड, मार्केफेड जो कि हमारे प्रदेश में धान की खरीदी करती है, जबकि मक्का की खरीदी किया जाता है आपका मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कथन आधारित प्रश्न बनता है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। प्रदेश में धान की खरीदी कौन करती है? मार्केफेड, जबकि मक्का की खरीदी कौन करती है? आपके मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। देखिए प्रदेश में जो है इस साल धान की खरीदी 1 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर के 31 जनवरी 2022 तक इस धान की खरीदी की जाएगी। वैसे तो आगे जो है 31 जनवरी के बाद भी ये डेट जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन अभी निर्धारित किया गया है कि जो धान की खरीदी है वो 1 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर के 31 जनवरी 2022 तक धान की खरीदी की जाएगी, जबकि मक्का की खरीदी आपका 1 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर के 28 फरवरी 2022 तक इस मक्के की खरीदी किए जाने का निर्धारण किया गया है। देखिए प्रदेश सरकार जो है अभी ये तो धान की खरीदी है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके आधार पर किया जा रहा है। यानी कि सामान्य धान के लिए जो आपके निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो MSP है, वो है आपके 1940 रुपये प्रति क्विंटल, और जबकि ग्रेड ए धान के लिए जो निर्धारित है वो है आपका इससे 20 रुपये अधिक, यानी कि 1960 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि मक्का की जो खरीदी है वो किया जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, यानी कि 1870 रुपये प्रति क्विंटल। ध्यान समझते हुए चलिएगा, सामान्य धान का MSP कितना है? 1940 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का कितना है? 1960 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन केंद्र सरकार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करती है। अभी ये जो डेट है, इस डेट में जो धान की खरीदी की जा रही है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन जो आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कहा गया कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी, इसका मतलब क्या है? यानी कि 1940 से आपके जो 2500 है इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो राशि है, ये अतिरिक्त राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल से धान खरीदी की बात कर रही है और 1960 रुपए अभी वर्तमान खरीदी हो रही है, तो जो अतिरिक्त जो पैसा है, अतिरिक्त पैसा यानी कि ये आपका 1940, ठीक है, अतिरिक्त जो पैसा है यानी कि लगभग 560 रुपए, ये 560 रुपए जो है ये आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार किश्तों में प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए हमारे इस आपका प्रदेश में धान की खरीदी के लिए 2399 धान उपार्जन समितियां जो है इस धान की खरीदी करेगी।
प्रदेश में इस साल 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल प्रदेश सरकार के द्वारा 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल जो है आपके 22,66,000 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है धान को बेचने के लिए, ठीक है। प्रदेश सरकार जो है धान की जो खरीदी है वो आपका 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आपका धान खरीदी करेगी, जबकि मक्का की खरीदी आपका 10 क्विंटल, एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो है आपका धान खरीदी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एकड़ में जितना उपज हो रहा है प्रदेश सरकार पूरा खरीद लेगी, मैक्सिमम एक एकड़ से 15 क्विंटल धान की खरीदी किया जाएगा और आपका मक्का की खरीदी मैक्सिमम एक एकड़ से 10 क्विंटल आपका मक्का की खरीदी जो है आपके प्रदेश सरकार करती है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा, कथन आधारित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2021। अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, या इंग्लिश में इसे कहेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये जो आपका इंडेक्स है नाम से स्पष्ट है बहुआयामी, यानी कि आपके इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के जो है अलग अलग सूचक के आधार पर एक इंडेक्स जारी किया गया है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। अब ये सूचक कैसे कैसे है, हम केवल उन्हीं सूचकों पर चर्चा करेंगे जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की कोई ना कोई रैंकिंग है। अगर हम बात करें पोषण या कुपोषण के मामले में, ठीक है, पोषण यानी कि पोषण की कमी, यहां बात क्या हो रही है, पावर्टी यानी कि गरीबी यानी कि कमी की बात हो रही है, पोषण यानी कि कुपोषण में, कुपोषण में सबसे टॉप में है आपका बिहार, यानी कि बिहार सर्वाधिक कुपोषित राज्य है, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ इस कुपोषण के मामले में 5वें स्थान पर है। अगर हम बात करें बाल एवं किशोर मृत्यु दर के मामले में, बाल एवं किशोर मृत्यु दर के मामले में अग्रणी राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ 4वें स्थान पर है, ठीक। रसोई गैस न होना, यानी कि एक घर में रसोई गैस न होने की स्थिति में ये जो सूचक है, इस सूचक में टॉप में है आपका बिहार, ठीक है, टॉप में है आपका बिहार, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ 4वें स्थान पर है। स्वच्छता यानी कि घरों में टॉयलेट न होने की स्थिति में इसमें टॉप में है झारखंड, हमारा छत्तीसगढ़ है आपके 4वें स्थान पर। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग की बात किया जाए तो सर्वाधिक गरीब राज्य है आपका बिहार, हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये 7वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इसमें छत्तीसगढ़ कौन से रैंक पे है, ये है आपके 7वें नंबर पर। सबसे गरीब राज्य कौन सा है पूछा जाए तो ये है आपका बिहार, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, पर्यावरण संरक्षण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये देश में अव्वल आया है। देखिए छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है ये है 1st, जबकि 2nd नंबर पर है केरल और 3rd नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। हमारे इस छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है आपके पिछले 3-4 सालों में इस पर्यावरण संरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। जहां 2018 में छत्तीसगढ़ जो है ये आपके 17वें स्थान पर था, 2019 में 6वें स्थान पर आया, 2020 दूसरे स्थान पर था, वहीं 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के मामले में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है, 2nd में है केरल और 3rd में है आपका आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें वायु की गुणवत्ता की जांच, हमारे छत्तीसगढ़ में वायु की गुणवत्ता की जांच किए जाने के लिए आपके 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन बनाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ भर में, ठीक है। वायु की गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ भर में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन भी बनाए गए हैं। देखिए इस आपके वायु गुणवत्ता स्टेशन से एक आपका रिपोर्ट सामने आया है जिसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में सल्फर में 37% की कमी दर्ज की गई है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 17% की कमी दर्ज की गई है, और हमारा छत्तीसगढ़ आपके पर्यावरण संरक्षण के मामले में देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव, प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव ये आपका प्रसिद्ध है बिलासपुर का, बिलासपुर जिले में आयोजित होता है प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव, और इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में, ठीक। इस साल जो है इसका 44वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा, संस्करण से प्रश्न आता है। इस साल जो है इसका 44वां संस्करण आयोजित हुआ आपके राउत नाचा महोत्सव का, राउत नाचा महोत्सव जिसका
इसका आयोजन आपके वर्ष 1978 से किया जाता रहा है, वर्ष 1978 से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ। इस साल इसका 44वां संस्करण आयोजित हुआ और इस साल जो आपका 44वां राउत नाचा महोत्सव है, इसकी विजेता टीम रही परसदा। ठीक है, रायपुर जिले में जो आपका परसदा है, परसदा की राउत नाचा की जो टीम है वो पहले स्थान पर रही। इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले को 15,001 रुपए, सेकंड पोजीशन पे आने वाले को 11,001 रुपए, थर्ड पोजीशन पर आने वाले को 9,001 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और पहले स्थान पर आया है कौन? परसदा। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है कि प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, ये होता है आपके बिलासपुर में। प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव या बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? वर्ष 1978 से। कहाँ किया जा रहा है? आपके लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। इस साल इसकी विजेता टीम कौन सी रही पूछा जाए तो परसदा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 इसकी जारी करता है पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलोर। बेंगलोर की एक थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर सेंटर, जिसके द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों का जो है एक इंडेक्स जारी किया गया, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। ये जो आपका इंडेक्स है, ये राज्य शासन के क्रियाकलापों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया गया है, जैसे कि राज्य सरकार की नीति निर्माण, विकास और संसाधनों के उपयोग आदि इस आपके इंडेक्स के आधार थे। तो इस पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये फोर्थ पोजीशन पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले नंबर पर है केरल, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर तेलंगाना, फोर्थ नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में हमारा छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ हमारे छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नगरीय निकाय चुनाव। ठीक है, नगरीय निकाय चुनाव हाल ही में हमारे प्रदेश के 15 नगरीय निकायों के 370 वार्ड में चुनाव होंगे। ठीक है, 15 नगरीय निकायों के 370 वार्ड में चुनाव होंगे। मैं केवल चुनाव की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। जो चुनाव होने वाले हैं ये होने वाले 15 नगरीय निकायों में, जिसमें से 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत है। 6, 4, 10 और 5, 15। ठीक है, 4 नगर निगम कौन कौन से हैं? 4 में से एक है आपका रायपुर का बिरगांव। ठीक है, रायपुर का बिरगांव, और बाकी जो है यह है आपके दुर्ग जिले का यानी कि भिलाई नगर निगम, चरोदा नगर निगम और आपका नया नगर निगम है आपका रिसाली। ठीक है, तो ये कुल जो आपके 4 नगर निगम है इसमें आपके चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए नगर निगम ही इंपॉर्टेंट, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 नगर निगम जो है जहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जो है ये आपके, इस चुनाव के लिए जो वोटिंग है ये 20 दिसंबर को इसके लिए मतदान होंगे और इसके परिणाम आएंगे आपके 23 दिसंबर के दिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका मतदान है ये बैलेट पेपर में होगा। बैलेट पेपर में यानी कि ध्यान समझिएगा, एक पेपर में आपको थप्पा मारना है, ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है इसमें ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है, इसमें बैलेट पेपर, गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का रंग भी इंपॉर्टेंट है, कथन आधारित प्रश्न पूछा जाता है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं, 15 नगरीय निकायों के 370 वार्ड में चुनाव होने वाले हैं। 4 नगर निगम कौन कौन से है? बिरगांव, भिलाई, चरोदा, रिसाली, ये सब प्रश्न बनेंगे। चुनाव जो है ये बैलेट पेपर में होगा, बैलेट पेपर का रंग कौन सा है? गुलाबी कलर का बैलेट पेपर है, ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होगा और बैलेट पेपर में भी जो है नोटा का विकल्प होगा, नन ऑफ दी अबव, यानी कि अगर जो है कोई आपका पसंदीदा उम्मीदवार जो आपके उस लिस्ट में नहीं है तो आप नोटा बैग के सामने भी जो है अपना सील लगा सकते हैं। ठीक है, जितना भी इसमें लिखा हुआ लाइन है सब इंपॉर्टेंट है, कथन आधारित प्रश्न बनेगा। जो हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले वो ईवीएम के जरिए नहीं, बैलेट पेपर के थ्रू होंगे। बैलेट पेपर का कलर कौन सा होगा? गुलाबी रंग का होगा। ठीक है, महापौर जो नगर निगम है वहां पे महापौर चुन के आएंगे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा, 2019 से जो है ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। 2019 से पहले जो महापौर चुनाव है ये प्रत्यक्ष होता था, यानी कि जनता डायरेक्ट अपने नगर निगम के महापौर को चुनती थी, लेकिन अब जो है ये वार्ड जो है वार्ड के जो पार्षद चुन करके आएंगे, पार्षदों के द्वारा ये महापौर चुना जाएगा, महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें खर्च सीमा, जो पार्षदों की जो खर्च सीमा है वो भी निर्धारित की गई है। अगर नगर निगम के पार्षदों की बात की जाए तो नगर निगम में अगर नगर निगम की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पार्षदों की जो खर्च सीमा है वो रहेगी अधिकतम 5 लाख रुपए, जबकि अगर किसी नगर निगम की जो आबादी है वो 3 लाख से कम है तो वहाँ पर खर्च सीमा रहेगी आपकी 3 लाख रुपए, यानी कि जो चुनाव के जो प्रचार प्रसार में जो खर्च किया जाता है उसकी बात की जा रही है। अगर नगर पालिका परिषद के पार्षद की बात की जाए तो इसकी अधिकतम खर्च सीमा है आप
आपके 1.5 लाख रुपए और आपका नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत में आपका पार्षदों की जो खर्च सीमा है वो है अधिकतम 50,000 रुपए। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी जो चुनाव होने वाले हैं वो 15 नगरीय निकायों में होने वाले हैं, जिसमें 4 नगर निगम है, बिरगांव, भिलाई, चरोदा और रिसाली। 20 दिसंबर को मतदान होंगे, 23 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे, बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव होगा, बैलेट पेपर का रंग गुलाबी कलर का होगा, इस बैलेट पेपर में नोटा का भी विकल्प होगा, ईवीएम मशीन के थ्रू चुनाव नहीं हो रहा है। और अधिकतम खर्च सीमा के जो आंकड़े हैं इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इतने सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।